वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ दाल में से कंकर पत्थर अलग करने का तरीका, उसी पर मैंने वीडियो बनाया है। तो आप देख रहे हो मैंने दो दालें ले ली हैं, उनमें से एक दाल है छिलके वाली मसूर की और एक है कुल्थी की दाल। ये वाली दाल कुल्थी की है, आप जानते ही होंगे, जो कि किडनी स्टोन के लिए बेस्ट मानी जाती है। और इसमें जो कंकर पत्थर रहते हैं ना, सेम इसी दाल के कलर के और शेप के रहते हैं, तो पता भी नहीं चलता कि दाल है या कंकर। फिलहाल हम इससे तो साफ़ नहीं करने वाले हैं, आज हम साफ़ करने वाले हैं ये छिलके वाली मसूर दाल को। तो करना क्या है, कैसे साफ़ करनी है, जितनी भी दाल आप बनाते हो एक दिन के लिए, जितनी आप दाल यूज़ करते हो उसे आप ले लीजिए, एक बर्तन में डालिए, उसमें डाल देना है पानी। और फिर हमें एक और खाली बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें से करना क्या है, दाल में से कंकर पत्थर साफ़ कैसे करने हैं, तो सिंपल सा तरीका है कि जिस बर्तन में दाल है उसमें हमने पानी डाल दिया है, तो धीरे धीरे उस बर्तन से खाली बर्तन में पानी को और दाल को अलग करते जाना है। जैसे आप पानी उलटते हो ना, तो पानी के साथ के बहाव के साथ जितनी जितनी दाल आती जाएगी उसे आने देना है, एकदम से सारी दाल को नहीं उंडेल देना है, तो पत्थर सारे इस वाले बर्तन में आ जाएंगे, वैसे नहीं करना है। बस थोड़ा थोड़ा पानी उधर डालते रहिए और उस पानी को वापस इसी वाले पतीले में या बर्तन में जो भी आप लेते हो उसमें वापस डालें, और उस पानी के साथ जितनी जितनी दाल, पानी के बहाव के साथ जितनी भी दाल इधर आती जाएगी ना, उसे आने देना है। तो आप देखें दाल उस तरफ कम हो रही है, इस तरफ ज़्यादा हो रही है, मतलब इतनी दाल हमारी छंट चुकी है। और जो राइट साइड पे बर्तन है ना, उसमें सारे कंकर रह गए हैं और लेफ्ट वाले बर्तन में एक भी कंकर नहीं होगा। और आप कहोगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप एक बार छान कर देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इस वाले जो लेफ्ट साइड पे बर्तन है ना, उस पर कंकर नहीं आता, और जो राइट साइड पे बर्तन है जिसमें पहले सारी दाल थी, अब धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ वो दाल इस बर्तन में आ रही है, तो कंकर वहां पे रह जाएंगे और साफ दाल इस बर्तन में आ जाएगी। और इस तरीके से ना दाल साफ करना बहुत ही आसान रहता है। और आप कहोगे कि दाल तो आजकल साफ ही आती है मार्केट में। हाँ सही बात है, आजकल दाल बिल्कुल साफ सुथरी आती है, लेकिन जो लोग खुद दालें लगाते हैं तो उनकी जो दालें ही निकलती हैं खेतों से, उसमें तो कंकर पत्थर लकड़ी कुछ ना कुछ रहता ही है, तो बस उसको अगर साफ करना हो, उसमें अगर पत्थर छांटने हो, तो इस तरीके से आप देखिए कितने मोटे मोटे छोटे हर तरह के पत्थर हैं, वो इस पतीले के बेस पर रह जाएंगे, वो पानी के साथ सिर्फ धीरे धीरे दाल इस तरफ आ जाएगी। लेकिन वही है ना कि एक बार में ही सारी दाल नहीं उलट देनी है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दाल उलटनी है, ताकि जो भी एंड में रह जाएगा वो पत्थर ही रहेंगे। आप देखें इस तरीके से सारे पत्थर इस वाले बर्तन में रह जाएंगे। और आप किसी भी तरीके की दालों से साफ कर सकते हो, जैसे कुल्थी दाल सबसे मुश्किल होती है, उसमें से मुश्किल रहता है उसमें से कंकर पत्थर निकालना, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता दाल है कि पत्थर है, एक सी शक्ल और शेप रहती है ना उनकी। तो यही वाला तरीका है जिससे हम कुल्थी दाल में से पत्थर अलग करते हैं और फिर दाल की, मैंने इससे पहले कुल्थी दाल की खिचड़ी भी बनाई है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो आज का वीडियो यही था, ख्याल रखिए आप लोग अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।